स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को कोशिकाओं के बारे में समझाता हूँ। आप लोगों ने कोशिकाओं के बारे में सुना ना, जानते हो कोशिकाएं क्या होती हैं? तो आज हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी जीव जो है कोशिका से बने होते हैं। सारे जीव जो के हैं किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हैं। कोशिका जो है ये प्रत्येक जीव के जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इस बात का ध्यान रखेंगे, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, कोई भी हो, सारे जीवधारी चाहे वो पेड़ पौधे हो, जंतु हो, सभी जो है कोशिकाओं से बने हुए हैं। जिस प्रकार से एक भवन जो है छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, इसी प्रकार से हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ रहेगा। इस तरह से प्रत्येक जीव जो है कोशिका से बने होते हैं। आइए हम कुछ कोशिकाओं के बारे में कुछ और खास बात जानते हैं। सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में एक लकड़ी की कॉर्क में देखा था। आइए इनके बारे में बताते हैं। जब एक बार ये प्रयोगशाला में बैठे हुए थे तो इन्होंने पाया कि जो कॉर्क होती है, कॉर्क एक प्रकार का लकड़ी का ढक्कन होता था जो कांच की बोतलों में लगा हुआ था। अब आजकल तो जो है बोतलों में प्लास्टिक के या टिन के ढक्कन आते हैं, लेकिन पहले के टाइम में बोतलों में लकड़ी के ढक्कन लगे होते थे जिसे कॉर्क कहा जाता था। उन्होंने इसकी पतली परत लेकर के जब इसे माइक्रोस्कोप से देखा, उन्होंने पाया कि इसमें छोटे छोटे कोष्ठक से एक चैम्बर से नजर आए, और इन कोष्ठक को या इस कोष्ठक को उन्होंने जो है कोशा या सेलुला कहा। और बाद में जो है इस कोशिका के बारे में जो है हमें स्लाइडर व स्वान ने इसका सिद्धांत बताया कि प्रत्येक कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका जो है जीवन की अनुवांशिक इकाई होती है। इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत हमें जो है बाद में स्लाइडर व श्वान ने दिया था। ठीक है, और इसके बाद आइए हम जानते हैं कोशिका के बारे में कुछ और चीजें। जब हम देखते हैं कि एक कोशिका, ये जंतु कोशिका का चित्र है, इस जंतु की कोशिका में हम लोग देखेंगे कि ये चारों ओर जो एक झिल्ली बनी हुई है, मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या कोशिका कला कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली या कोशिका कला जो है इस कोशिका को बाहरी पर्यावरण से या बाहरी वातावरण से एकदम अलग रखती है। इसके कोशिकांगों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। इसका काम यह हैगा, ये एक वर्णात्मक पारगम झिल्ली कराती है। वर्णात्मक पारगम झिल्ली से मतलब होता हैगा कि ये कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने जाने देती है, ठीक है, शेष पदार्थों को नहीं। और ये जो है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसकी बनी होती है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका के अंदर जब हम आते हैं देखते हैं तो सबसे पहले इसमें जो द्रव भरा हुआ है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव या जीव द्रव। जीव द्रव जो है जीवन का ये भौतिक आधार है और जीवन की शुरुआत जो है इसी से होती है। अब ठीक है, हम आपको जो है इस कोशिका के अन्य कोशिकांगों के बारे में समझा देते हैं कि कौन कौन से इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। इस प्रकार से किसी भी जीव के शरीर में जो अंग होते हैं, लोग शारीरिक अंग बोलते हैं, इसी प्रकार से कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम केंद्रक की बात करते हैं। केंद्रक जो है प्रत्येक कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला भाग होता है जो दोहरी आवरण का बना होता है, जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं हम लोग। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है केंद्रक के अंदर, यह केंद्रक द्रव कहलाता है। इसके अंदर एक केंद्रिका होती है जो राइबोसोम उत्पन्न करती है। राइबोसोम जो है केंद्रिका द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है या उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें एक धागेनुमा जाल संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जैसे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं में ही गुणसूत्र निहित होते हैं जो अनुवांशिक वाहक हैं। गुणसूत्र जो है ये इसी में निहित होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है ये केंद्रक का जो आवरण आपने देखा हुआ हैगा, ये जगह जगह से टूटा हुआ ब्रेक हैगा, इससे ये छिद्रित हैगा। इससे ये होता है कि जो कोशिका द्रव और ये केंद्रक द्रव इनके बीच आदान प्रदान होता रहता है। कोशिका द्रव जो है इसके अंदर आ सकता है और केंद्रक द्रव इसके बाहर जा सकता है। और इसी से लगी हुई जो है अंतर प्रतिपी जालिका पाई जाती है। अंतर प्रतिपी जालिका जो है ये अगला कोशिकांग है, और अंतर प्रतिपी जालिका ये जो है आवागमन करती हैं। इसमें जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना होता है तो आवागमन में सहायता करती हैं। और इसके अलावा ये यांत्रिक आधार भी प्रदान करती है कोशिका को।
कोशिका ये दो प्रकार की निर्धारित, एक होती है खुरदरी अंतःप्रतिभ जालिका, दूसरी होती है चिकनी। खुरदरी अंतःप्रतिभ जालिका वो कहलाती है जिसमें राइबोसोम्स के कण लगे होते हैं, जिसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं वो खुरदरी प्रकार की होती है, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं वो चिकनी प्रकार की होती है। इस प्रकार से दो प्रकार की जो है अंतःप्रतिभ जालिका पाई जाती है। उसके बाद अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी महत्वपूर्ण कोशिकांग है क्योंकि कोशिका में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो यह ऊर्जा निर्मित होती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसके बाद अगला कोशिकांग है गोल्जी कॉय या गोल्गी बॉडी, इसका काम जो है गोल्गी बॉडी का उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करना होता है, यह उत्सर्जी पदार्थों को इस कोशिका से निष्कासन कर देता, बाहर निकाल देता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पदार्थ नेक्स्ट कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है यह एक प्रकार की कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है इसे, क्योंकि जब कोशिका में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं और प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण जो है कोशिका क्षतिग्रस्त हो सकती है या मृत हो सकती है, उस समय ये लाइसोसोम जो है ये फट जाते हैं और इसके एंजाइम जो है इस का पाचन कर देते हैं, इस कोशिका के उपापचय क्रिया को चला देते हैं और इससे ये कोशिका जो है बन जाती है, और इसीलिए जो है लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिकांग है नेक्स्ट कोशिकांग है रसधानी, इसे मैक्यूल्स भी बोलते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या कम होती है लेकिन ये पादप कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है। इनका जो काम होता है ये भोजन का और जल का संचय करती है, भंडारण करती है और सभी कोशिकाओं तक इसी के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, इसकी पूर्ति करती है।